चप्पू का भाई चप्पू। मैंने कुकिंग क्लास खोली है, जिसने एडमिशन लेना ले सकता है। बाद में क्लास फुल हो गई फिर मैं किसी को एडमिशन नहीं दूंगा। अरे मेरा बेबी, मेरा चोनू, माय चानू, माय स्वीटहार्ट, क्या कर रहे हो मेरा बच्चा? हाँ बेबी, मैं कोई कुकिंग क्लासेस में आई हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या ये छोको कुकिंग क्लासेस है? नहीं, हम 5-5 रुपए लेके ना लोगों को ये बताते हैं कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। मुझे कटप्पा और बाहुबली से क्या लेना देना, मेरी शादी होने वाली है। वाह, उधर बाहुबली की जान चलेगी और तुम्हें शादी की पड़ी है? डायरेक्टर राजा मौली को पता चलेगा तो क्या गुजरेगी उस पर? देखिए, मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई हूँ, खाना बनाना सीखने आई हूँ। तो ये बताओ, खाना कितनी देर में आप सिखा दोगे बनाना? 30 मिनट में। 30 मिनट? हाँ। बोर्ड देख लो, आंखें फाड़ के 15 मिनट लिखा है। अरे जेंट्स को तो हम 2 मिनट में भी सिखा देते हैं। लेडीज का क्या ना, लेडीज दिमाग बड़ा खाती है। लेडीज इतना दिमाग खाती, मेरे को समझ में नहीं आता। एक तो लेडी आई मेरे पास, मेरे को थी आलू में कोई और डिजाइन दिखाइए, बताओ ये कोई बात हुई? एक लेडी मेरे पास आई, कहती सारे टमाटर लाल रंग के, नीले में कोई टमाटर दिखाओ। देखो, मैं तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई, ओके? तुम लड़कियां किसी की सुनती कहाँ हो? अपना तो रोना भी दूसरों को चला रही, सुन रहा है तू? रो रही हूँ मैं, वाह, पर हमारी बात भी नहीं सुनोगी। देखिए, या तो आप अपना इलाज करवाइए या फिर आगरा शिफ्ट हो जाइए। तुम मेरे लिए ताजमहल बनाने चाहती हो? नो डार्लिंग, मुझे तुम्हारे लिए कुछ बनवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से ही वहां पर एक पागल खाना बना हुआ है। तो पहले से बना हुआ तो ठंडा हो गया होगा, ताजा बनवाओ कुछ। ओके, मुझे लगता है मैं गलत जगह पर आई हूँ। अरे क्या बात कर रही है, सोनी से अच्छी जगह कोई है नहीं, आप कमाल कर रही हैं। आप बताइए क्या सीख रहे हैं? हमारे पास 2 पैकेज है, एक 5,000 वाला, एक 10,000 वाला। रियली? दोनों में क्या फर्क है? 5,000 में जैसे हम भरता जो है ना, तो हम ऐसी बना देते हैं। लेकिन अगर आप हमें 10,000 देंगी तो हम पूरा प्रॉपर तरीके से भरता बनाएंगे। नहीं नहीं, वो 10,000 वाला चलेगा। ये रहो तुम्हारी फीस, 10,000। 10,000 रुपए। अच्छा, आपकी शादी हो रही है ना? यस। वो बताइए, शादी में कितने दूल्हे आ रहे हैं? शादी में दूल्हा एक ही है, बिकॉज इट्स अ शादी, स्वयंवर नहीं है। ओके, तो घोड़े कितने आएंगे? अरे दूल्हा एक है तो घोड़ा एक ही होगा। एक दूल्हा एक घोड़ा, तो ऐसे पता कैसे चलेगा दूल्हा कौन है घोड़ा कौन? ये बताओ फिर, लड़के के कितने बाप आ रहे हैं? अरे लड़के का एक ही बाप है। ओके, और माँ? माँ भी एक ही है। वेरी पुअर फैमिली। तो बराती कितने आएंगे? 400-500 बराती। इतने तो बाहुबली में नहीं आए थे, वाह। 400-500 बराती। देखो, खाना बनाने के लिए सबसे जरूरी है प्रार्थना करना। आओ प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर, हम आलू की सब्जी बनाना जा रहे हैं, गलती से अगर कहीं मैं आलू का कीड़ा काट दूं तो उसको जीरा समझ के माफ कर देना। कीड़े वाला खाना मुझे नहीं सीखना, मैं जा रही हूं। 1 मिनट, किधर जा रही हो? ओके, तुम्हें सिखाना है ना, सिखाओ चुपचाप। कुछ ऐसा सिखाओ जिसे खिला के मेरे सास ससुर खुश हो जाए। सास ससुर को तो फिर दादा दादी बनाओ, फिर तभी खुश होंगे। रहने दो, भटूरे बनाना सिखाओ। तो मैं आपको जीजा भटूरा बनाना सिखाता हूँ। What is जीजा भटूरा? अरे बहुत आसान है, जैसे आटे में इतना सारा घी लेके उसमें ऐसे ऐसे डाल के उसको साइड पे रख दो। ओके, सामने जानबूझ के चावल बनाने शुरू करो। तो आटा आएगा गुस्से में, गुस्से में इसका मुंह जीजे की तरह फूल जाएगा, उसके बाद जीजा भटूरा तैयार। समझ गए, मुझे ये जीजा भटूरा नहीं बनाना है, आलू की सब्जी बनाना सिखाओ। आलू? आलू तो पहले ही सब्जी होता है। अच्छा, वैसे वाली सब्जी, आलू वाली सब्जी क्यों सीखनी आपको? मेरे होने वाले हस्बैंड को ना आलू बहुत पसंद है। तो आलू पसंद है तो आपसे शादी क्यों कर रहे फिर? खाने में पसंद। अच्छा, है खाने में। जो आदमी अपनी मनपसंद चीज को खा जाता है वो आदमी ठीक नहीं है। कल बात तुम्हें खा गया तो? एक्सक्यूज मी, आप पागल पागल तो नहीं हो? हैं? ना, थोड़ा दीवाना हूँ। थोड़ा परवाना। देखो, अब मैं तुम्हें आलू की सब्जी सिखाता हूँ। ओके। ओह माय गॉड, पर आलू की सब्जी कैसे बनाएं? 2 ही आलू हैं, इसको 2 से 3 करते हैं। 2 से 3 कैसे करेंगे? इनकी शादी कराते हैं। आलू की शादी होएगी, सोचो इनके छोटे छोटे आलू होंगे, बड़े होकर उनके पराठे बनेंगे, वाह मजा आ जाएगा। हो सकता है उन्हीं में से कोई एक आलू का पराठा प्रधानमंत्री खाए, फिर वो देश का पराठा बन जाएगा। तो पागल हो,
तुम एक समाज सेवक को पागल बन रही हो? You fool! चलो आलू की सब्जी बनाते हैं। अच्छा बताओ इस सब्जी में और क्या डलता है? जैसे आलू में हम लोग प्याज डाल सकते हैं, पर मैं प्याज काटता नहीं। क्यों? बहुत ज्यादा क्यूट है, मैं काटता हूँ मेरे को रोना आ जाता है, इसलिए मैं अंडा खा लेता हूँ। वाह 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 वाह! प्याज काटने में तकलीफ होती है, अंडा खाने में कोई तकलीफ नहीं होती, अंडे में तो जान होती है। अंडे में प्रोटीन होती है आपको पता, और मैं कोई खुशी से नहीं खाता हूँ। वो तो मुर्गी आके मेरे को दे जाती है, उसका घर परिवार चलना चाहिए बेचारी का, मैं खा लेता हूँ। अरे मुर्गी कहाँ अंडे बेचने जाती है? She is working. क्या काम करती है तुम्हारी मुर्गी? यही काम करती है, अंडे देने का ही, और क्या। देखो अब ना आप मुझे गुस्सा दिला रहे हो। देखो गुस्से के लिए मेरे पास एक बड़ा मजेदार पराठा है, सिद्धू पराठा। सिद्धू पराठा? इसको खाते ही हंसी निकल जाती है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, आटा आटा गूंद के चूल्हा ऊपर लगाना पड़ता है, फिर आटा गूंद के ऐसे ठोको, ऐसे ठोको, तो सिद्धू पराठा तैयार, बहुत अच्छा बनता है। हेलो बेबी, मेरा बाबू, मेरा चोना, मेरा क्यूटी पाई, मेरा नान खताई, मेरा बेबी। हाय शुन्ना। अच्छा मेरे बाबू ने खाना खाया? अच्छे से खाया ना? फ्री होके फोन करती हूँ, जानो मेरा बच्चा। सुनो। यस। तुम्हारे जानू तोतला है? नहीं, मैं ना प्यार से उससे इस तरह बात करती हूँ। ऐसे प्यार से मतलब तोतले हो जाते हैं? हाँ, जब तुम्हें प्यार हो जाएगा ना, तुम भी तोतले बन जाओगे, ओके? जैसे मेरे को थोड़ा थोड़ा आपसे हो रहा है, मैं तो तोतला हुआ नहीं। मतलब शर्म, लिहाज, हया सब बेच के खा गए हो? अरे मेरी शादी होने वाली है। तुम किसी और की हो जाओगी। प्लीज इस वक्त मुझे खाना बनाना सिखाओ। क्या सीखना है बताओ? बंद गोभी की सब्जी। बंद गोभी नहीं हम सिखाते। क्यों? कोई फायदा नहीं उसका, इसको खोलते जाओ खोलते जाओ, अंदर कुछ नहीं निकलता, मैं बता रहा हूँ। अच्छा लीव लीव बंद गोभी, लीव बंद गोभी। भिंडी की सब्जी। भिंडी की सब्जी ऐसे बनाते हैं, जैसे भिंडी को पहले लो, यस, आंखें बंद करके ऐसे इसको लाइट बंद करके धो लो, फिर उसके ऊपर कपड़ा डाल दो। आंखें बंद करके लाइट बंद करके कपड़ा, क्यों? ये सवाल आप पूछ रही हैं? यस। शी इज लेडी यार, शी इज लेडी फिंगर, लेडी होगी ऐसी बात करती हैं आप? आपको कुछ ना प्रॉब्लम है, दिमागी प्रॉब्लम है। सब्जियों में मेल फीमेल कब से होने लगा? क्या बात कर रही हैं आप, हमारी सब्जियां, हमारे ये आलू है ना, ये तो अभी इससे पहले दुपट्टा लेके चलते हैं। अरे ये दुपट्टा लेकर चले, अरे इसे छोड़ो, तुम दुपट्टा लेकर चलो, फॉरगेट दुपट्टा, तुम कटप्पा लेकर चलो, कुछ भी करो, लेकिन आगे क्या करना है वो तो बोलो। इतने प्यार से क्यों बात कर रही हो तुम? देखो ऐसे भिंडी को लो और कद्दू के साथ बनाते हैं। भिंडी एंड कद्दू, ये कौन सी सब्जी है? अरे कद्दू का फेर चल रहा है उसके साथ। अच्छा। अच्छी बनेगी। तो क्या शादी भी करवाओगे? हाँ तो करवाएंगे, अपनी शादी तुम करवा सकती हो, कद्दू की शादी नहीं बेचारा, क्या एक मोटे कद्दू को किसी से प्यार करने का कोई हक नहीं है? प्यार करने का हक है, प्यार ही क्यों, हनीमून मनाने का हक है। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, भेजो इसे हनीमून, भेजो। देखो ये शरीफ ठेले की सब्जियां ऐसे नहीं आ जाएंगी, आराम से उनके फेरे होने दो, चलो चलो इन पे मसाला डालते हैं, वो बन जाएगी। एक काम करो, जब तक सब्जी पक रही है ये लो तेल, मेरे इधर मसाज कर दो शोल्डर। तुम्हारा दिमाग खराब है? नहीं दिमाग ठीक है, शोल्डर में थोड़ा पेन है, इधर कर दो। अरे मैं तुम्हारा शोल्डर क्यों मसाज करूं? कम ऑन बेबी, यू कैन डू इट, कम ऑन, कम ऑन अंजलि, कम ऑन अंजलि, अंजलि, अंजलि। हो गया, मेरा नाम अंजलि नहीं है तो पतंजलि है। क्या फिर तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। जस्ट शट अप, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ऐसे कैसे चली जाओगी, अभी मेरा सब्जी बना के सिखाने का मूड आया और तुम जा रही हो? ठीक है, फॉरगेट वेज, नॉन वेज में कुछ पकाना सिखाओ। मुर्गा कैसे बनता है? मुर्गा ऐसे कढ़ाई में, कढ़ाई में मैं थोड़ी आ सकता हूँ, पागल हो आप? अच्छा एक काम करते हैं, मुर्गा मतलब चिकन, चिकन कैसे बनता है? चिकन हम बनाते नहीं है वैसे, पर मैं आपको अफगानी मुर्गा बता देता हूँ। अफगानी मुर्गा? हाँ जी। अभी तो कहा चिकन नहीं बनाते? ये अफगानी है ना चिकन, इसको उधर सजा हुई है, ये चिकन ने किसी चिकनी को छेड़ दिया था तो अभी इसको सजा हुई है, तो इसको बना सकते हैं। आपको पता है ये मुर्गा पागल है, मेरे को पता क्या कहता, कहता मेरे को बना के खाने के बाद बताना मैं कैसा लगा टेस्ट में। क्या ये भी आपकी तरह पागल है? नहीं ये दोनों अनपढ़ है,
ये और ये इसकी वाइफ है, ये पढ़े लिखे नहीं है बिल्कुल, इसीलिए हिंदी में अंडे देते हैं। अच्छा तो इंग्लिश में अंडे कैसे होते हैं? इंग्लिश में मतलब प्रक एग। इतना भी नहीं पता कैसे गवार से शादी कर रहा है तुम्हारा पति, मना कर दो उसको। एक्सक्यूज मी, खबरदार एक और फालतू कमेंट पास की तो, एक तो खाना पकाना आता नहीं है, ऊपर से इतनी लंबी बातें। क्या बात कर रही हो, चलो आज मैं जलेबी बनाना सिखाता हूँ। ये देखो जलेबी लेंगे, इसमें मैदा डालेंगे पहले। कितना गंदा दुपट्टा है, इससे जलेबी बनाओगे? दूर रखो, मुझे ऐसे देखकर ही चक्कर आ रहे। अरे तो चक्कर आएंगे तो गोल गोल जलेबी बनेगी ना, ये तो सीधी नहीं बन जाएगी जलेबी। बस बात हो गया, मैं जा रही हूँ। रुको, मैं जा रही हूँ। तुम्हारी होने वाली सब्जी का कुक बनने वाला हूँ और तुम मुझे इस हालत में छोड़ के जा रही हो। अच्छा बोलो ना बेबी क्या सीख रहे हैं, मैं बताता हूँ तुम्हें। एक्सक्यूज मी, डोंट कॉल मी बेबी, मुझे बेबी बोलने का हक सिर्फ मेरे राजकुमार का है, और राजकुमार के लिए मैं शाही पनीर बनाना सीखना चाहती हूँ। प्लीज टीच मी शाही पनीर कैसे बनता है। शाही, अच्छा शाही वो जो पैन में डलती है। पनीर वो जो छोटा छोटा गोल गोल हरा हरा होता है, वही ना? छोटा छोटा गोल गोल हरा हरा ना मटर होता है। तो टमाटर क्या होता है फिर? टमाटर लाल होता है। टमाटर लाल होता है तो फिर गोलगप्पा उसको कहते हैं। अरे गोलगप्पा फुला हुआ होता है। फुली हुई तो पूरी होती है। अरे पूरी तो छोटी होती है। छोटी तो मेरी बहन है, उसके हाथ पीले करने मैंने। मेरे को याद आ गई उसकी। अरे उसके हाथ बाद में पीले करना, पहले तुम्हारा ना मुंह में लाल कर दूंगी। बकवास कर रहे हो, चलो जल्दी से मुझे शाही पनीर बनाना सिखाओ। ठीक है, सबसे पहले पनीर लेते हैं। ए, 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 ये केला है। केले को थोड़ी पता हम पनीर बना रहे हैं। ऐसे चुप रहो। इसके सबसे पहले हम कपड़े उतारते हैं, इसको लगेगा हम इसको नहाने लगे हैं, हम चुपके से काट के इसका पनीर बना देंगे। ओ मम्मी का फोन। हेलो मम्मी जी, लहंगा पसंद कर लिया? अच्छा कितने का? 25,000 का लहंगा। नहीं बात कर रहा हूं। अरे अरे, अरे। 25,000 का लहंगा लेने क्या जरूरत है, लड़का मान तो गया ही है। 200 वाला ले दो कोई। हाँ? कपड़े वपड़े क्या करने आंटी, आपकी इकलौती बेटी है, 2 शादियां कराओ इसकी। 2 दूल्हे दिलाओ, जो पसंद आएगा रख लेंगे कि नहीं। बकवास बंद करो। ओ मेरे बेबी को कॉल, मेरे बेबी। हेलो बेबी, मैं चूनू, मैं बाबू, मेरा बच्चा। आप अब्बू क्या घूर रहे हो, बात करनी है कर लो। ओए मेरे बेबी मेरा बच्चा, चल निकम्मे तू, अपनी वाइफ को महंगा वाला लहंगा नहीं दिला सकता। मेरी तरफ से ना है, गेट आउट फ्रॉम। अरे मना कर रहा हूँ, तुम चिंता ना करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ शादी करने के लिए। मैं क्यों करूँ तुमसे शादी? अच्छा तो तुम्हें सिद्धू जी में इंटरेस्ट है, मेरे को पहले से शक था। नहीं नहीं, नहीं मुझे सिद्धू जी पसंद नहीं है। अच्छा जिनको सारी पार्टियां पसंद करती, तुम्हें वही पसंद नहीं है? मुझे पसंद नहीं है, मैंने ऐसा कब कहा? अच्छा तो मेरा शक सही निकला फिर। बस बस हो गया, अब तुम्हारी बकवास में और नहीं सुन सकती। कहां गए चाकू? सुनो 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 मेरी बात सुनो। नहीं आज तुम नहीं बचोगे। देखो तुम लड़की हो कैसे भागती, अच्छी लगती हो। देखो तुम्हारी शादी कब है, मैं तुम्हारी शादी में जरूर जरूर आऊंगा। पाजी आज जो हमारे मेहमान है ये वो खास मेहमान हैं जिन्होंने 60s और 70s में ऐसी अदाकारी की कि उस दौर को गोल्डन एरा बना दिया। मैं इनकी तारीफ करने के लिए बहुत छोटा हूं, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा सुपरस्टार आशा पारेख जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको यहाँ पर देख के। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। इन्हें सपनों में देखने के लिए जागकर फिर सो जाया करते थे। वाह, काली रात जैसी इन जुल्फों में चांद सितारे खो जाया करते। थैंक यू। जरूरत ही नहीं है किसी साकी किसी मैखाने की, इनकी अदाकारी और जुल्फ से हुस्न से अरे दीवाने मदहोश हो जाया कर। आइए आशा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल ही में आशा जी की ऑटोबायोग्राफी जो है द हिट गर्ल लॉन्च हुई है। आशा जी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू।
बहुत सारे ऐसे किस्से हम वहां पे पढ़ेंगे जो हम नहीं जानते हैं, और अब आपकी बुक पढ़ के वो किस्से जानने को मिलेंगे। तीसरी मंजिल शिकार, दो बदन कटी पतंग, कारवां जख्मी, चिराग आए दिन बहार के, फिर वही दिल लाया हूं, लव इन टोक्यो, ऐसी ढेर सारी पता नहीं कितनी सुपरहिट फिल्में दी हैं। इतनी सारी सुपरहिट फिल्में देने के बाद आपने कभी सोचा था कि एक नहीं मैं बोल रहा हूँ कि इतनी सुपरहिट फिल्में देने के बाद कभी आपने सोचा था एक क्रिकेटर और पॉलिटिशियन आपके लिए शेर पढ़ेंगे? बड़ा बदमाश बंदा है यार, बहुत ही बदमाश है। पाजी आज शेरों का पिटारा जरा तैयार रखो, क्योंकि 60s और 70 के दौर में से अच्छा एक और हीरे को मैं इस मंच पे बुलाना चाहता हूँ। एक ऐसी कमाल की फनकार है कि आज भी बॉलीवुड में जब कोई हीरोइन डांस नंबर शूट करती हैं तो वो सबसे पहले इनका नाम लेती हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा डांसिंग क्वीन, द वन एंड ओनली एवरग्रीन हेलन जी। हेलन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्लीज विराजमान हो जाइए। सावन सी सुहानी अदाएं, वाह, इन्हें मौसम पैगाम लिखते हैं, खत लिखते हैं दीवाने, दिल से सलाम लिखते हैं। इंडस्ट्री में ना कोई हुआ ना ऐसा कोई होगा, हम डांस के पिछले और अगले 100 साल इनके नाम लिखते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि आशा जी और हेलन जी जो हैं वो हमारे शो पे इस मंच पे मौजूद हैं। हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं आपका। पाजी जब फिल्म रिलीज होती थी ऐसा भी होता था कि डिस्ट्रीब्यूटर ये बोल देते थे कि फिल्म तो कंप्लीट है लेकिन हेलन जी का गाना कहाँ है इसमें, तो हेलन जी का गाना एक डालना पड़ता था। तो हेलन जी आपने ये डांस कहीं से ट्रेनिंग ली थी हेलन जी आपने कहीं? जी हाँ, व्हेन आई वाज इन स्कूल मैं मणिपुरी डांस सीखी और फिर उसके बाद थोड़ा सा भरतनाट्यम और कथक। तो मैम भरतनाट्यम मणिपुरी जो है क्लासिकल फॉर्म्स है, पहले जमाने में माइथोलॉजीज यू वुड डू भरतनाट्यम स्टेप्स, एम आई राइट? यस, दिस कॉस्ट्यूम्स एंड ऑल, सो यू नीड द स्टांस ऑफ भरतनाट्यम। जी, सो दैट व्हाट आई लर्नड। ओके, कि अगर कोई एक दो भरतनाट्यम स्टेप्स है आई शुड नो हाउ टू पोज। आपको कोई कोरियोग्राफर होते थे उस समय? यस यस, वेरी गुड कोरियोग्राफर्स। अच्छा, पता नहीं हमें ऐसा लगता था आप आपके अपने दिल से ही निकलते हैं सारे स्टेप। दिल से तो डांस करती थी मैं, इसमें तो कोई शक नहीं। क्योंकि इफ यू डोंट डू इट विद योर हार्ट एंड सोल इट डजंट शो ऑन द स्क्रीन, एंड इट शोज ऑन द स्क्रीन, दैट्स व्हाई ऑल दीस वंडरफुल पीपल लव मी स्टिल। मुझे लगता है कि दुनिया का कोई कोरियोग्राफर इन्हें सिखा नहीं सकता, और जितने भी कोरियोग्राफर पैदा हुए हैं वो सब इन्हीं से सीखे, ये मुझे लगता है, तो कोई शक नहीं है। ये सब क्रेडिट मुझे मत दो प्लीज, सबसे पहले क्रेडिट ऊपर वाला, उसके बाद कोरियोग्राफर्स, उसके बाद आशा भोसले जी, उसके बाद म्यूजिक डायरेक्टर, उसके बाद है टीम वर्क। अच्छा जी, जितनी भी आपकी फिल्में देखी जी, आपका और राजेश खन्ना साहब की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी थी, मुझे वो गाना याद आ गया, अच्छा तो हम चलते हैं, पर आज हम आपको जल्दी जाने नहीं देंगे। अच्छा जी, जब आपने फिल्में शुरू की जी, मतलब अब जाके दौर बदला है, लोगों की मेंटालिटी बदली है, लेकिन उस समय में लड़कियों को इतनी शायद फ्रीडम नहीं होती थी, तो उस समय आपके लिए कितना ईजी था फिल्मों में काम करना? जब मैं स्टेज पे परफॉर्म करती थी तो एक बार बिमल रॉय जी ने मुझे देखा और उन्होंने बुलाया कि तुम काम करोगी, अब मुझे कुछ पता नहीं था, मैंने हाँ बोल दिया ऐसे ही। अच्छा, मैं छोटी थी उस वक्त, 9-10 साल की थी, तो फिर मैंने बाप बेटी और माँ में उनके साथ काम किया था। okay. इसलिए कोई रुकावट नहीं थी क्योंकि दादाजी फाइनेंस कर रहे थे पिक्चरों में, जी जी, प्रॉब्लम नहीं थी। पर बड़े अच्छे आपके एडवांस दादाजी थे, हमें तो देखने भी नहीं देते थे फिल्में। तो हेलन जी आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, आप बेसिकली बर्मा से है ना? जी। तो बर्मा से फिर कैसे मुंबई आना हुआ? चल के आई। हाँ जी, I mean, are you kidding or seriously? Seriously, we were refugees from Burma, and during the second war, the Japanese came into Burma and they started bombarding. So, वहाँ से we had to leave house and just run away, and we had to come through the jungles if you were walking through the jungles.
So it took us months to reach India. आप परिवार के साथ थीं उस समय? My mother, my brother. We reached Calcutta and I lost my brother. He got smallpox and expired. Oh. I mean, इनकी जर्नी सुने जब आपकी बातें सुनते हैं तो एक्चुअली आपने बहुत स्ट्रगल देखी और किस तरीके से आपने हालात देखे और कैसे पूरी दुनिया को आपने अपने फन से जो है वो एंटरटेन किया. आपको सलाम है. आशा जी पहले चाइल्ड आर्टिस्ट थी, फिर फिल्मों में सुपरस्टार बनी, उसके बाद इन्होंने टीवी में काफी सारे सीरियल्स प्रोड्यूस किए, डायरेक्टर बनी, आज इनकी ऑटोबायोग्राफी रिलीज हुई है. हेलन जी बर्मा से आके करोड़ों दिलों पर छा गई, पद्मश्री से नवाजा जा चुका है. पाजी इतना सब होने के बावजूद आपने कभी सोचा था आपको ऐसे लाइव देखने का मौका मिलेगा? मतलब मैं तो बोल रहा हूँ, सवाल ही नहीं पैदा हो रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल मतलब स्तब्ध हो गया हूँ, पूरी तरह सुन हो गया हूँ. अच्छा आशा जी, अभी आजकल एक बड़ा नया दौर चला है, ऑटोबायोग्राफी जैसे आपकी आई है तो बायोपिक्स बन रही हैं, स्पोर्ट्स मैन के ऊपर बन रही हैं, स्पोर्ट्स वुमेन्स के ऊपर बन रही हैं. अगर आपके ऊपर कोई बायोपिक बने तो आज के दौर की ऐसी कौन सी अभिनेत्री है? आपको भी हेलन जी सेम सवाल है कि कौन है ऐसा जो आपको लगता है कि आपका किरदार बाखूबी निभा सकता है? मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं कुछ ग्लैमरस बबली लड़की थी, तो मेरे हिसाब से आलिया भट्ट वुड बी द राइट पर्सन. कांग्रेचुलेशंस आलिया, कॉम्प्लीमेंट फॉर यू. हेलन जी आपका अगर बायोपिक बने तो आपको क्या लगता है कौन कर सकता है आपकी बायोपिक बड़े अच्छे से? आई थिंक पदकोने. आई लव यू मैम. दीपिका अगर इनकी बायोपिक करें तो मैं तो जितनी देर लगी रहेगी मैं उधर ही रहूंगा थिएटर में. एक तो हेलन जी की बायोपिक, ऊपर से दीपिका. आपको ये पता था कि I have a very soft corner for दीपिका? I didn't know that. If I knew, I wouldn't have said it. सलमान खान आपके बेटे हैं, इतना आपको प्यार करते हैं, मैं भी आपके बेटे जैसा ही हूँ. ऐसे दीपिका को बोल दो मैम थोड़ा. आपको बोलो लड़का अच्छा है. देख मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, पूरे दुनिया मालूम है अच्छा. हेलन जी, आशा जी, आशीर्वाद दीजिए. बड़ा खुश हुए हम आज आप दोनों को देख के, बता नहीं सकते. ए व्हाट इज अप ब्रदर. एनीवे आशा जी, हमको बड़ी आशा थी कि आशा जी से एक दिन मुलाकात होगी, और लीजिए आशा जी आ गई और हमारी आशा पूरी हो गई. तो हेलन जी भी आई हैं, उनके लिए क्या किया था? हाँ, ये आपने आशा सवाल किया है. लीजिए इधर भी आशा कैसे हमने यूज कर लिया. नहीं नहीं यार, अब हेलन जी के आने का भी हमें आशा ही था, अब हेलन जी के आने का हमें हेलन जी तो हो नहीं सकता. लेकिन आशा जी आपको बताएं, फेवरेट हमारा वो है, वो जो अपना थर्ड फ्लोर वाला पिक्चर. थर्ड फ्लोर कौन सी है? अरे तीसरी मंजिल यार. ये आदमी का आप रहने दीजिए, इनका थोड़ा सा ना अंग्रेजी में पैदल चलता है. उस दिन हमसे कह रहे हैं कि देख देख क्रिकेट का जिंदा मैच आ रहा है. हमने कहा जिंदा मैच क्या होता है, फिर पता चला लाइव का बात कर रहा है. That's just a jokes. ऐसा जोक्स हमारा ऐसा फ्लो हो जाता है कभी कभी, शरीर में टिकता नहीं जाता तो. लेकिन आपका वो फेवरेट फिल्म तो हमारा वो वाला है, वो जो स्पोर्ट्स के ऊपर था. स्पोर्ट्स पे इनकी कौन सी फिल्म आई? कटी पतंग यार. स्पोर्ट है वो? अरे पतंग फ्लाइंग इज ए आउटडोर स्पोर्ट. आपको पता ही नहीं है, आप देखें होली के दिन किस तरह हवा में पतंग ही पतंग ऐसे भरी रहती हैं. अबे होली पे रंग उड़ाते हैं, पतंग मकर संक्रांति पे उड़ाते हैं. हैं? हाँ. अरे यार हमने तो होली पे पतंग उड़ा दिया यार. अच्छा काम की बात भी कर लिया कर, तुम मेहमान आए तो क्या फालतू. हाँ हाँ, अरे अरे ग्वालियर में ना एक नया पागलखाना खुला है. अच्छा ये क्या बात हुई? ये आपके काम की बात हुई. लेकिन हेलन जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट आपको सच बताएं, आपके गाने सुन सुन के हम बड़े हुए हैं. आपके गाने सुन सुन के बड़ा हो गया, उसके बाद ये फैलने लगा. आपके दो गाने और आ जाते ये फट सकता था. लेकिन आपको एक सीक्रेट बताएं हेलन जी,
आप ना सोले में 50,000 ज्यादा कमा सकती थी। कैसा? नहीं ना, हमने गाना देखा, आप डांस कर रही थी ना, गब्बर हाँ। सिंह सामने ही बैठा था, पुलिस को फोन करके बता देती तो पूरा 50,000। पॉसिबल है? और उस समय फोन कहाँ होते थे, मोबाइल फोन कहाँ होते थे? अरे तो किसी को 5,000 दे के दौड़ा देती, क्या जाता है 45,000, कम थोड़ी होता है यार, बहुत होता है पैसा। लेकिन आशा जी, हेलन जी, एक जानना चाहते थे हम, क्या हमने देखा वो टाइम के फिल्मों में ये जो जीवन जी, प्राण जी, प्रेम चोपड़ा जी, ये आपको 2-3 पिक्चर करके पता चल गया था कि ये लोग सुधरने वाले हैं नहीं। किडनैपिंग तो करेंगे ही करेंगे। अरे जब अगला पिक्चर साइन करते हैं तो बोल दीजिए कि यार इनको नहीं चाहिए ऐसा कुछ, आप मना भी तो कर सकते हैं, 2-3 बॉडीगार्ड रख लीजिए, हर बार किडनैप होते हैं, हमको बुरा लगता था यार बार बार। और कभी कभी ना हमारे दिमाग में ये थॉट भी आता था, कहना सीटीआर नहीं टूट जाएगा, सेंटर में बैठ जाओ। अच्छा सेंटर बैठने दीजिए। हाँ। नहीं कोई नहीं। अच्छा तो आजकल का जो हीरोइन है ना, उनको ज्यादा किडनैप करते ही नहीं है, वरना आज का हीरोइन को किडनैप कर लो तो सीधा पहाड़ी पे जाके सबसे पहले वो सोशल मीडिया पे शुरू हो जाएंगी, ऑन द टॉप ऑफ काली पहाड़ी। Waiting for hero, feeling kidnapped with Samba and 30 others. वैसे सच बताएं, आपके साथ अगर धर्मेंद्र जी यहाँ पर आए होते ना तो हमसे मिलकर बहुत खुश होते। क्यों? फैन से मिलकर खुश होते हैं यार लोग, आपको क्या प्रॉब्लम है यार? अच्छा बच्चा बात तो सुन। हाँ जी बोलिए। आशा जी आई हैं, हेलन जी आज ही आई हैं। जॉक्स तो सुना? हाँ जॉक्स बॉल बनाया। आशा जी, हेलन जी, आपको बता दे हमारा का एक जॉक्स का पिटारा जैसा है हमारे पास, वो ऐसा फ्री फ्लोइंग चलता रहता है, पर हम थोड़ा अवॉइड करते हैं कभी कभी कि माहौल बहुत ज्यादा बन जाता है, लोग को बहुत ज्यादा मजा आ जाता है, फिर वो मजा को कम कैसे करें सोचना पड़ता है। हम एक जॉक सुना देते हैं, बहुत ही फनी वाला जॉक है, सुना रहे हैं। एक लड़का है जिसे जिम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जिम्नास्टिक। नास्टिक। जिम्नास्टिक। सॉरी सॉरी माय लोपोजी। वैसे बहुत खुशी हुआ आपसे मिलके, हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी मजा आया होगा, हम चलते हैं अब, आशीर्वाद दीजिए। हाँ God bless you. Thank you so much. You're very good. Thank you very much. अच्छा हम चलते हैं। नमस्ते। Thank you. बड़ा मजा आया। चलते हैं। आजकल इतनी सारी फिल्में आने लगी हैं आशा जी। एवरी वीक 2-4 फिल्में रिलीज हो जाती हैं, ओरिजिनल अलग से होती हैं। उस समय बहुत कम फिल्में आती थी। उस समय मैम जब आप पब्लिक के बीच में जाते थे, आप लोग कैसे पब्लिक अपीयरेंस करती थी? ऐसे ही चले जाते थे, मैं बुर्का पहन के जाती थी। तो मतलब उस समय तो इतना जबरदस्त क्रेज, को हमें अभी तक याद है कि हम बचपन में जब देखते थे, तो मैंने तो एक किस्सा आपका ये भी सुना कि चिन चिन चू जब आया था जी, तो उस समय आपको मेरे ख्याल से ट्रैफिक सिग्नल पे घेर भी लिया था लोगों ने जी। और माय मदर इतनी खुश हो गई, फर्स्ट टाइम हेलन वाज रिकॉग्नाइज्ड। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे सर को विंडो से बाहर किया और कहा हाँ हाँ ये हेलन है। अच्छा मैंने एक किस्सा सुना है कि हेलन जी डॉग से बड़ा डरती हैं। मैं छोटी थी, स्कूल से आ रही थी। अच्छा जी। और अपना नेबर के गार्डन में एक बहुत अच्छा अमरुद। अच्छा जी। था तो मैं चढ़ के, आई वाज अबाउट टू ब्रेक द ओवर जी, व्हेन द लेडी ऑफ द हाउस केम आउट। अच्छा। और उन्होंने अपना कुत्ता छोड़ दिया गार्डन में, और वो आके बैठा नीचे झाड़ के नीचे। अच्छा। और मैं ऊपर, 2 घंटे के लिए उन्होंने मुझे उधर ही बिठाया। <It's a fact. laughs> चोरी का अमरूद महंगा पड़ गया उस दिन आपको। मैम आजकल तो आपको पता है फिल्में कैसे शूट होती हैं, एक टेक हुआ आर्टिस्ट का और जाके फटक से डायरेक्टर के पास एक इतना छोटा सा टीवी रहता है, उसमें जाके देख लेते हैं कि कैसा हुआ सीन। उस समय तो मॉनिटर भी नहीं होते थे मैम, और डिजिटल कैमरास भी नहीं होते। बिल्कुल नहीं। उस समय आप कैसे डिसाइड करते थे कि सीन अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, जब टेक होता था तो अगर मुझे लगता था कि नहीं मैंने कुछ ठीक नहीं किया है, तो रिक्वेस्ट करते थे डायरेक्टर को कि भाई एक रीटेक कर लेते हैं। अच्छा।
तो वो अगर डायरेक्टर को लगता था कि इससे बेटर शॉट हो सकता है तो वो मतलब वो अलाउ करते थे. उसी तरह डायरेक्टर को अगर लगता था कि शॉट ठीक नहीं है तो वो फिर रीटेक करवा लेते थे. मतलब डायरेक्टर की आंख इतनी तेज थी कि उनको मालूम था कि किस तरह का शॉट हो रहा है. पर एक्चुअली इतना बदलाव आ गया ना मैम, आजकल तो टेक्नोलॉजी का इतना सहारा लेते हैं. मुगले आजम में पहले जितने सैनिक चाहिए होते थे उतने ही खड़े करने पड़ते थे, अभी तो 100 खड़े करके 1000 बता देते हैं. जैसे अभी बाहुबली आई ना, उसमें जितने हाथी दिखाए इतने टोटल हिंदुस्तान के जंगलों में नहीं है जितने बाहुबली में उन्होंने दिखाए. आज कार भी ऑटोमेटिक आ गई है आजकल, तो अगर विलन ने बैठा किसी ने शीशा नीचे करना ऑर्डर देना तो अच्छा लगता है, ऑटोमेटिक दबाया शीशा अपने आप नीचे जा रहा है, फिनिश हिम शीशा ऊपर. पहले अजीत साहब वगैरह बेचारे हाथ से घुमाते थे रॉबर्ट, और उनको कंधा भी रोकना पड़ता था ताकि पता ना चले कि हम शीशा नीचे कर रहे हैं. धीरे से करके रॉबर्ट फिनिश हिम. पर एक चीज है मैम, आपके समय की जो फिल्में थी उनमें रोमांस भी जो दिखाते थे इतना क्लीन दिखाते थे, हीरो हीरोइन दो मिल रहे हैं, दो फूल मिल जाते थे तो पता चल जाता दर्शकों की खुशबू आने वाली है एक्चुअली. क्योंकि सब फैमिली साथ में बैठ के देख लेती थी ना, तो बच्चों को भी मतलब बच्चे भी बैठे रहते थे, बुजुर्गों को भी पता चल जाता था तो एक दूसरे को बुजुर्ग देते. फैमिली पिक्चर्स होती थी, मजा आता था वो फिल्में देख के. अच्छा मैम, आपने अपने जितने भी को स्टार्स के साथ काम किया है, मैं कुछ बातें बोलूंगा, आप बताना कि वो किन पे ज्यादा सूट करती हैं. जब आप फिल्मों में काम करती थी सेट पे सबसे ज्यादा लेट कौन आता था? शत्रु सर. अच्छा, तो सबसे ज्यादा अपनी हीरोइन का ध्यान कौन रखता था? सुनील दत्त जी. सो स्वीट. मैम सबसे अच्छा डांसर कौन था जितने भी आपने को स्टार्स के साथ काम किया? वेरी गुड, इसमें कोई शक नहीं है. और लड़कों में? शमी कपूर. क्या बात है शमी साहब. तो सबसे अच्छी बॉडी वो फिटनेस किसकी अच्छी होती थी उस समय? सलमान खान. अच्छा, जैसे आजकल फिल्में आती हैं तो हीरो हीरोइन जो हैं अपने गाने के हिसाब से कि जैसा परफॉर्म करना है वैसे ड्रेस देख लेती हैं. आप इतनी भारी भरकम साड़ियां पहनती थी, इतने खूबसूरत हेयर स्टाइल. मुझे नहीं लगता कि 60-70s के बाद कोई ऐसा दौर हुआ है, मतलब उस समय हेयर स्टाइल जो है उनके कॉपी किए जाते थे आपके. लोग बोलते थे कि ये साधना कट है, ये आशा जैसा हेयर स्टाइल है, उनके जैसी साड़ी है, इतने अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल, भारी भरकम जूड़े भी होते थे हीरोइन के. कैसे मेंटेन करते थे मैम, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं आती थी, लेकिन हाँ तकलीफ बहुत होती थी क्योंकि बहुत सारे पिंस डाले जाते थे बालों में. और हेलन जी, आप तो ऊपर से डांस भी करना. वो तो सब ठीक है, लेकिन जब भी पैकअप आवाज सुनती ना जी, तो यू शुड हैव सीन मी, आई वुड गो इनटू द मेकअप रूम, सब सब निकाल दो. हम आपको कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे मैम, तो आपको खाली जूड़ा देख के पहचानना है कि ये किन का जूड़ा होगा. बड़ा इनोवेटिव आइडिया है ये. बबीता. अच्छा ओके, नेक्स्ट मुमताज. क्या बात है, ये है फ्रेंडशिप. नेक्स्ट दैट लुक्स लाइक साधना. Yes. क्या बात है. नेक्स्ट शर्मिला ठाकुर. वाह. ओह या. और ये आशा पारेख. दैट्स मी. दैट्स यू.
वाह थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओहो एलिन जी आशा जी मैं हूँ बम्पर रहती हूँ अपने दम पर तो बताइए कैसे लगा मेरा ट्रिब्यूट थैंक यू आपकी फिल्म आई थी ना आशा जी दो बदन जी ये रहा 250 किलो बदन क्या कमाल की बात की है आपने आपने तो दिल जीत लिया मेरा दिल जीत लिया आज आज तो तू चाहे तो नूडल भी बेच सकती है इतनी मेहनत करके आई है क्या बात है बहुत खुश हेलो आशा मैम हेलो एलन मैम मैं सरला देखना इतनी तू मेहनत कर रही ना तुझे सर्कस में काम मिलेगा एक दिन पप्पू यार तुम कुछ भी बोल दो मैं आशा मैम की इतनी बड़ी फैन हूँ और फैंस तो पाजी हीरोइंस को फॉलो करते हैं ना बिल्कुल बिल्कुल और ये आपको तब तक फॉलो करेगी जब तक आप इसको 100 रुपए दे देती तुम कुछ भी बोल रहे हो बम्बर को क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो वो भी तो कुछ बनकर आई है हाँ लेकिन मैं तो इंसान बन के आई हूँ ना तुम कभी इसका बच्चा बन के आई हो क्या वैसे बम्बर तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से ये जो तुम हेलेन मैम जैसी बन के आई हो मैं कॉन्फिडेंस आया क्योंकि मैं सुंदर हूँ और सुंदरता पे मैंने डिप्लोमा भी किया है तुम चुप रहो आशा मैम मैं ना आपसे बहुत रिलेट करती हूँ कि मेरा जीवन भी ना बिल्कुल कटी पतंग है नहीं नहीं कटी पतंग नहीं इनका जीवन फटी पतंग है मैम आपकी फिल्म थी ना तुलसी तेरे आंगन की ये देखिए बरगद मेरे आंगन का वाह तुम दोनों को नहीं पता एक बात का कि तुम लोगों को क्या लगता है ऐसे कपड़े पहन के आओगी तो हमारे मेहमान इंप्रेस हो जाएंगे मुझे तो सिद्धू जी ने कहा था क्या मैंने क्या कहा था सरला एक बात बताओ इधर आओ बैठो चलो इसके दिमाग में तो भूसा भरा है तुम्हारे पास तो दिमाग है घुटनों में तुम उसका इस्तेमाल करती कप्पू आशा मैम मेरी आइडल है मैम मैं बिल्कुल आपकी तरह बनना चाहती हूँ उस दिन पहले भी इसने ट्राई किया था आपको पता है इसने इतना बड़ा जूड़ा बना लिया गर्दन लटक के जमीन से जुड़ गई और फिर दो पैरों पे और एक सर से ऐसे चल के आ रही थी मत किया अगर ऐसे काम सरला तू कप्पू तुम कुछ भी मत बोला करो मैं ना हेलेन मैम से टिप्स लूंगी मैम आपकी फिल्म में जैसे गुंडे आपको किडनैप करते थे और फिर हीरो आपके बचाता था तो मैं भी चाहती हूँ कि आप मुझे टिप्स दे ताकि कोई गुंडा के मुझे भी किडनैप करे और फिर कप्पू आके मुझे बचाए गुंडों से बात हुई थी वो माने नहीं कहते नहीं मतलब होते हम भी बहू बेटियों वाले क्यों उठाएं किसी को तुम नहीं लेकिन सच में देखा जाए तो इसे किडनैप करना ज्यादा मुश्किल है नहीं मतलब इसको किडनैप करने के लिए कार भी ले जाने की जरूरत नहीं है इसे ऐसे पॉकेट में डाल के लेके आ सकते हैं और इसे ऐसे बांधने के लिए रस्सी की भी जरूरत नहीं पड़ती है और इसे तो बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म भी नहीं चाहिए इसको बेहोश करना है ना थोड़ा सा जोर से बोलिए चुप ये सुन के बेहोश हो जाती कप्पू ने गलत कहा था तुम्हारे दिमाग में भूसा नहीं भूसा में थोड़ा सा दिमाग हुआ है अब मुझे गुस्सा मत दिला वरना मैं तुम्हें घूसा मार दूंगी मानना पड़ेगा देखिए कितनी सी मुझे गुस्सा मारने की बात कर रही है तुम्हें तो रियलाइज होता है कि ये जो मैंने ताली बजाई ना इसके बीच में अगर मैं तुम्हारा पेड़े जैसा मुंह डाल दूं ना तुम्हारा मुंह भी तवा पराठा बन जाएगा बम्पर मैं तुम्हारा क्या करोगी गुस्सा ना कर तू बेहोश हो जाएगी रहने अनफ्रेंड करूंगी और तुम्हारे सारे पोस्ट डिसलाइक कर दूंगी मैं कितनी डर गई हूं ऐसा मत कीजिए प्लीज मुझ पे दया कीजिए देखिए कैसी फालतू की बात कर रही है तुम्हें पता है ऐसे मोटे मोटे होठों से ना इतनी छोटी छोटी बातें अच्छी नहीं लगती आशा जी हेलन जी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं जो भी आप लोगों को बात करनी है आशा जी से या हेलन जी से आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं जी जी सर
नमस्कार. मेरा नाम सुनील दत्त पांडे है. सुनील दत्त पांडे जी. दत्त भी आपका है, पांडे भी आपका है जी. और मैं मैडम का बहुत फैन हूँ और मैं एक बार मैडम से मिलना चाहता हूँ. मैडम के लिए मैं एक गुलाब का फूल लाया हूँ, देना चाहता हूँ. दे दीजिए, आइए. बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू सर. ओह माय. शुक्रिया सर, शुक्रिया. थैंक यू सो मच. और कोई हमारे दोस्त जी, इस तरफ भी कोई दोस्त है जी? हेलो. हेलो मैम. मेरा नाम पूछो क्या है? आप पूछो मुझे. मैंने नहीं पूछना. पूछो ना. पूछो तो सही. जी, क्या नाम है मैम आपका? सरला. सरला. पहली सरला है, मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगी हैं आप. तो इधर भी सरला रहती हैं. थैंक यू. कहाँ से आई मैम आप? मैं मुंबई से हूँ. अच्छा जी. सामने आज हेलन मैम को देखकर मुझे ना पुरानी बातें कुछ याद आ गई. क्या मैं शेयर करूँ मैं? जी जी. तो जब भी मैं मेरे कॉलेज के टाइम में जब कॉलेज जाते थे ना, हम एंट्री होती थी, ये देखो हेलन आई. मुझे इतना अच्छा लगता था ना मैम, आप क्या बोलूं. बेसिकली आपने अपनी तारीफ करनी थी थोड़ी. जी जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली. अच्छा, आप फिर ऐसा कीजिए, हेलन जी की तरह डांस करके दिखाइए जी. आ, और मैं कहना चाहती हूँ कि इसका नाम वंदना है, वो बहुत अच्छा डांस करती है. अच्छा, लेकिन ये डांस करेगी, हम फॉलो करेंगे. प्लीज प्लीज वेलकम. अच्छा, आपके लिए एक गिफ्ट है हमारे पास. आइए सरला जी, आइए. आपके लिए एक खूबसूरत सा गिफ्ट है. आशा जी, एक ये इनको खूबसूरत सा मोबाइल आपके लिए. शुक्रिया. ये बुक है आशा जी की. ये बुक द हिट गर्ल हाल ही में अभी रिलीज हुई है. और जो आशा जी के फैंस हैं, जो उनकी ज़िंदगी से जुड़े किस्से जो हैं जानना चाहते हैं, आप लोग ये बुक पढ़ सकते हैं. आशा जी, मैं तो 2-4 दिन निकाल के आराम से पढ़ूंगा इसको. मुझे आप प्लीज़ अपना ऑटोग्राफ दे देंगे इस पर? थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच. बहुत खूबसूरत गिफ्ट है मेरे लिए. थैंक यू सो मच मैम. ये कौन है साइकिल से छोटा आदमी? पहचान तो लिया ही होगा बाबू मोशाय. ये हमारे नाक के बराबर मौसा है. अच्छा. हैं, लेकिन कोई ऐसा फायदा अरे खास है? कौन मौसा रे, आज तो हम सुपरस्टार राजेश खन्ना है रे. हेलो आशा जी, एलन जी नमस्ते. मैं आप दोनों का बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ. एक्चुअली कॉलेज में लोग मुझे राजेश खन्ना बुलाते थे. ओए छिंकोर, तू नहीं सुधरेगा. दिल चाहता चिमटे से पकड़ कर तुझे नाली में फेंक दूं. ये देख लो राजेश खन्ना, ऐसे लगता है मक्चीन से निकाला हुआ गन्ना. ओ माय गॉड. हेलो हेलन जी. हेलो आशा जी.
हेलो सिद्धू जी, सिद्धू जी मुझे ना आपसे एक शिकायत है। क्या? इतने सारे चौके छक्के मारे हैं आपने, इसे बॉल समझकर जरा सा हिला देते, क्या पता ये सुधर ही जाता। आप दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हैं? अरे झगड़ा कौन कर रहा है रे? देख कप्पू, क्या है कि घर में चार बर्तन हो तो खड़केंगे ही ना। हाँ, काम नहीं करेगा तो घर में चार बर्तन ही रहेंगे। आशा जी, आप मुझे एक बात बताइए, आपको ऐसे नहीं लगता कि आपके घर में जो सबसे छोटी कटोरी है वो इससे बड़ी है? हाँ, तो इसके लिए जिम्मेदार भी तो तुम ही हो, वो भी तो बताओ। हेलन जी, मुझे एक चाय की प्याली नसीब नहीं होती, और ये अपनी सेहत बनाने के लिए 20-20 लीटर दूध पी जाती है रोज। अच्छा, तो जब दूध वाला आता है पैसे मांगने के लिए, तो उससे दो दो हाथ कौन करता है? कहते मैंने बड़े बड़े काम किए हैं, अपनी बीवी को एक काम नहीं दिलवाया इन्होंने। झूठ बोल रही है, अरे नाटक में दुर्योधन का रोल दिलवाया था। छोड़ के भाग गई, अकल तो है ही नहीं। हाँ, आप तो बड़े इंटेलिजेंट हैं। इनके डैडी जी ने कहा दुकान पे गल्ले पर बैठो, ये ना गल्ले के अंदर घुसकर बैठ गए। आशा जी, इससे अच्छा होता कि प्राण साहब मुझे उठा कर ले जाते। अरे ऐसे कोई तुम्हें उठा के कैसे ले जाएगा? महेंद्र बाहुबली के होते हुए कोई देव सेना को हाथ भी नहीं लगा सकता। ये देख लो मेरा छोटा सा बाहुबली। कल कहने लगे घर में बिल्ली ले आओ, चूहे मुझे कूर कूर के देखते हैं। कल हम बाहुबली देखने गए थे, तो वहाँ इंटरवल में सारे लोग आकर इससे कहने लगे, कटप्पा मेरे साथ एक फोटो खींचा ना, कटप्पा मेरे साथ एक फोटो प्लीज। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बीवी कटप्पा लगती है। किसी काम के नहीं है आप, समझे आप? क्या किसी काम के नहीं है? कभी काम नहीं किया मैंने तुम्हारा? कौन सा? पहले मैं तुम्हारे लिए भटूरा लेकर आया था। लाने में ना सड़क पे 3 बार गिर गए ये। कौन है भाई? कौन है जो हमारे भाई साहब को तंग कर रहा है? मैं भाई साहब बुला रहे? ओए छोटू, मेहमानों के लिए लस्सी लेके आ। और बंदा कोई साथ लेके जाना, तुझसे गिलास उठाया नहीं जाएगा। ऐसा कर, एक ढोल पैक भी करवा लेना, भाई साहब भी तो चखेंगे। खबरदार, खबरदार जो मुझे भाई साहब कहा तो। छोटू, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? कैसे हैं आप? ओ, मैं तो ठीक हूँ। तुम्हें मैंने एक काम कहा था, मेरी जो शायरी है जो मैंने लिखी हुई है वो लिख के मुझे देना लायक नहीं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपकी शायरी मैं कैसे लिख सकता हूँ? आप खुद लिखिए। भाई मैं पहलवान हूँ, शायरी लिखूंगा वो अंडे खाऊंगा। चलो खैर, आज इतने खास मेहमान आए हैं सिद्धू साहब, तो शेर तो बनता ही है, माफ करना। खड़काओ खड़काओ। अर्ज किया है, वाह, अर्ज किया है, जगह मिलने पर पास दिया जाएगा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ओके टाटा बंटी दी गड्डी। ओ भाई साहब, तो आप 10 रुपए की शेरो शायरी की किताब खरीद लेते? क्या बात कर रहा है छोटू? हाँ? शायरी किताब में मिलती है? हाँ? मुझे तो किसी ने बताया था ट्रक में मिलते हैं शेर। मैंने तो 10 लाख का ट्रक खरीद लिया। ओहो हो, बड़ा नुकसान हो गया भाई साहब। खबरदार, खबरदार भाई साहब का, मैंने तुझे छोड़ूंगी नहीं। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब लगा रखा है। भाई छोड़ना चाहता भी कौन है, आ जाओ गले लग जाओ। चलो, जमाना बहुत खराब है जाने मन, चलो हम अंदर चलते हैं, कांटा लगा गाते हैं। देखिए, किसी काम का नहीं है। हाँ छोड़ मेरा। आओ, कराता रहता है। अच्छा भाई, एक बार हेलन जी और आशा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। मैम बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, और आपकी किताब को, आपकी ऑटोबायोग्राफी को हम जरूर पढ़ेंगे, और सिद्धू साहब भी पढ़ेंगे, और तमाम दर्शक जो आपके फैंस हैं, क्योंकि जब आप ये बुक पढ़ेंगे तो आपको बड़े सारे ऐसे मनोरंजक किस्से जो हैं वो पढ़ने को मिलेंगे, मजा आएगा। और थैंक यू सो मच मैम अपना कीमती वक्त देने के लिए। आइए मैम, जोरदार तालियां एक बार। आइए हेलन मैम, हम एक सेल्फी लेते हैं।
थैंक यू सो मच आशा जी, थैंक यू सो मच हेलन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर आज। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रौनक आ गई और मानो पता नहीं कितने अरसे के ख्याल आ गए। गॉड ब्लेस मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। ऑनर्ड 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 ऑनर्ड। ओको भाई, और आप सब लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए कपिल शर्मा शो। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.